कैसे हैं आप? आशा करता हूँ आप अच्छे होंगे। आज हम पढ़ने वाले हैं लेखांकन शब्दावली, अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजी। क्या है लेखांकन शब्दावली? यानी जब आप अकाउंटिंग में हम काम करेंगे तो कुछ वर्ड ऐसे आएंगे जिनका यूज हमें बार बार करना पड़ेगा, तो उन वर्ड्स का हमें मीनिंग अगर मालूम नहीं होगा तो हम उन्हें समझ नहीं पाएंगे, सही प्रकार से काम नहीं कर पाएंगे। तो आज हम उन शब्दों में पढ़ रहे हैं। सबसे पहले है संपत्तियां, जिनको अंग्रेजी में कहा जाता है असेट। और संपत्तियां मुख्य प्रकार है, वो सभी 6 प्रकार हम यहाँ पढ़ने वाले हैं। अब सबसे पहले तो पता होना चाहिए संपत्ति होती क्या है। देखो, व्यवसाय को चलाने में सहायता करने हेतु व्यवसायी कुछ वस्तुएं खरीदता है जिनका मूल्य होता है, और उन मूल्य वाली वस्तुओं पर व्यवसाय का स्वामित्व होता है, तो वो समस्त वस्तुएं व्यवसाय के लिए संपत्तियां कहलाती हैं। फॉर एग्जाम्पल, व्यवसाय को चलाने के लिए स्वामी ने एक मशीन खरीदी, तो मशीन एक वस्तु है, व्यवसाय को चलाने में सहायक है, और यह व्यवसाय के लाभों में वृद्धि करने में भी सहायक होती है। इन संपत्तियों के प्रयोग से व्यवसाय में क्या होती है? वृद्धि। और इनका होता है मूल्य, और इन मूल्य वाली संपत्तियों पर स्वामी का होता है अधिकार, स्वामित्व। इस कारण से क्या कहते हैं? असेट है। ठीक है, असेट हम पढ़ेंगे। सबसे पहले नंबर 1, स्थायी संपत्ति, जिसको इंग्लिश में कहेंगे हम फिक्स्ड असेट्स। ठीक है, नंबर 2 आता है चालू संपत्ति या एसआईली बोलते हैं, ध्यान रखना, जिसको अंग्रेजी में कहा जाता है करंट असेट्स, करंट असेट्स। 3 नंबर पर आता है अवास्तविक संपत्तियां, अवास्तविक संपत्तियां, जिसको अंग्रेजी में कहा जाता है फिक्टिटियस असेट्स। 4 नंबर पर आता है, यह हो गया स्थायी संपत्ति 1, चालू संपत्ति 2, अवास्तविक संपत्ति 3, और 4 नंबर पर आता है क्षणिक संपत्तियां। क्या आता है? क्षणिक संपत्तियां। जिसको हम कहते हैं वेस्टिंग असेट्स। पांच नंबर पर आता है अमूर्त संपत्तियां। जिनको बोलते हैं इनटेंजिबल। इनटेंजिबल असेट्स। ठीक है, इनटेंजिबल असेट्स आया समझ में। और 6 नंबर पर इसमें जो आता है उन संपत्तियों के प्रकार में देखिए, हम लेते हैं तरल संपत्ति। कौन से लेते हैं? तरल संपत्ति, जिसको बोलते हैं लिक्विड असेट्स। तो देखिए, संपत्ति के कितने प्रकार हुए? स्थायी संपत्ति, फिक्स्ड असेट्स, चालू संपत्ति, करंट असेट्स, अवास्तविक संपत्ति, फिक्टिटियस असेट्स, वेस्टिंग यानी क्षयी संपत्ति, वेस्टिंग असेट्स, अमूर्त संपत्ति, इंटेंजिबल असेट्स, और तरल संपत्ति, लिक्विड असेट्स। अब हम एक-एक कर इनके बारे में पढ़ते हैं। पहले पढ़ेंगे स्थायी संपत्ति, फिक्स असेट्स। इनको स्थायी संपत्ति क्यों कहते हैं?
क्योंकि इन संपत्तियों का जीवन काल है वो व्यवसाय में दीर्घकालीन लॉन्ग टर्म पीरियड होता है। ये संपत्तियां एक बार खरीद लेने के बाद इनको वर्ष दर वर्ष व्यवसाय में उपयोग किया जाता है, यानी कई वर्षों तक ये उपयोगी होती है, इस कारण ये स्थायी संपत्तियां कहलाती हैं। और इन स्थायी संपत्तियों की सूची में अगर हम नाम लिखें लैंड, बिल्डिंग, मशीनरी, फर्नीचर, ठीक है, मोटर व्हीकल, ये सभी स्थायी संपत्तियों की श्रेणी में आती है। क्यों? क्योंकि इनको एक बार खरीद लेने के बाद दीर्घकाल तक ये व्यवसाय के लिए उपयोगी साबित होगी। और स्थायी संपत्तियों में आपको पता है अगर हम निरंतर रूप से रेगुलर पेमेंट का यूज करते हैं तो इनके मूल्य में क्या आती है? कमी आती है, और उस कमी को कहते हैं हम डेप्रिसिएशन। और स्थायी संपत्तियों में लैंड को छोड़ दीजिए, बाकी सभी में क्या लगता है? डेप्रिसिएशन लगता है। अब आता है चालू संपत्तियां। चालू संपत्तियां वे संपत्तियां होती है जिनका जीवन काल एक वर्ष से कम होता है, यानी एक वर्ष के अंदर हम उनकी उपयोगिता को नष्ट कर देते हैं, यानी एक साल के अंदर उसको कैश के रूप में परिवर्तित कर सकते हैं। ये कहलाती है चालू संपत्तियां, ठीक है। तो ये दीर्घकालीन है, ये क्या है? अल्पकालीन है। और चालू संपत्तियों में मुख्य रूप से जो होता है वो कैश, बैंक, बीआर, डेटा, ठीक है, स्टॉक, प्रीपेड एक्सपेंसेस, ये क्या है? मुख्य रूप से चालू संपत्तियों के उदाहरण हैं। अब आता है आपके पास अवास्तविक संपत्ति। इसके नाम से ही प्रकट है अवास्तविक, यानी वास्तव में ये संपत्तियां होती ही नहीं है व्यवसाय में, लेकिन ये व्यवसाय के लिए उपयोगी है और टेक्निकल प्रयोग के कारण हमें इनको असेट के रूप में बैलेंस शीट में दिखाना होता है। तो नामात्र की अवास्तविक संपत्तियां है, यानी जिसको कहते हैं हम फिक्टिटियस असेट, ये ऐसी संपत्तियां हैं। देखो एक्चुअल में संपत्ति होती नहीं, एक्चुअल में क्या है, ये व्यवसाय के कुछ खर्चे और हानियां होती है जिनका अभी तक आपने रिटर्न ऑफ नहीं किया है, इस कार्य को संपत्ति के रूप में दिखाते हैं। नंबर एक आता है प्रारंभिक व्यय। प्रारंभिक व्यय जिसको इंग्लिश में कहते हैं प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस, प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस प्रारंभिक व्यय। एक आता है अभिभोक्तों का कमीशन, अभिभोक्ता का कमीशन जिसको बोलते हैं अंडर राइटर कमीशन, क्या बोलते हैं, ठीक है, अंडर राइटर कमीशन। इसी प्रकार से इसमें हम लिख सकते हैं डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ शेयर एंड डिवेंचर, इसमें लिख सकते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का डेबिट बैलेंस, ठीक है। अब ये क्या होते हैं प्रारंभिक, आपको पता है को
कोई कंपनी की स्थापना की जाती है तो उसके बिजनेस शुरू होने से पहले कुछ खर्चे करने पड़ते हैं, और वो खर्चे क्या है, प्रारंभिक व्यय के रूप में जाने जाते हैं। अब बताओ ये खर्चे कर दिए, खर्चे हैं ये आयगत प्रकृति के, लेकिन इनका उपयोग क्या एक साल तक ही उपयोगी है? स्थापना के समय किए गए खर्चे ये कंपनी के दीर्घ काल तक उपयोगी होते हैं, इस कारण इन खर्चों का उपयोग है हम दीर्घ काल तक करते हैं और कंपनी इनको आगे साल दर साल क्या करके इनको रिटर्न ऑफ करती रहती है। ठीक है, ये प्रारंभिक व्यय है। दूसरा है अधिभोगकों का कमीशन। और अधिभोगक क्या होते हैं? कुछ व्यक्ति या संस्था ऐसे होते हैं जो कंपनी की प्रतिभूतियों को बेचने की गारंटी देते हैं और उन गारंटी के बदले उनको कमीशन दिया जाता है, वो कहलाता है अंडरराइटिंग कमीशन। अब वो भी क्या, कंपनी का ऐसा करता तो कई साल तक कंपनी के लिए उपयोगी है। ठीक है, ये भी क्या है, फिक्टिशियस है। डिस्काउंट कमीशन ऑफ शेयर और डिवेंचर, ये भी क्या है, फिक्टिशियस है। और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का डेबिट बैलेंस, यानी कि कंपनी को किसी वक्त हानि हो जाती है और हानि की राशि इतनी ज्यादा थी कि पहले साल में उस हानि को आप अपने की प्यारे रिटर्न ऑफ नहीं कर पाए, तो जितना रिटर्न ऑफ कर दिया उसके बाद जो बैलेंस बचा है वो हम आगे आने वाले वर्षों में रिटर्न ऑफ करेंगे। तो जो बैलेंस अभी रिटर्न ऑफ नहीं हुआ है वो हम बैलेंस शीट में फिक्टिशियस असेट के रूप में हम दिखाते हैं। आया समझ में? अब है क्षयी संपत्तियां। क्षयी संपत्तियां ऐसी है, कुछ संपत्तियां ऐसी होती है जिनका निरंतर उपयोग करने के कारण उनके मूल्य में कमी होती जाती है, वो क्या कहलाती है, क्षयी संपत्तियां। उदाहरण के तौर पर जैसे खान, जिसको बोलते हैं माइन, क्या बोलते हैं, माइन। अब आपने कोई खान खरीद रखी है तो खान में आपको पता है कोयला निकालते हैं, तो जितना कोयला धीरे धीरे निकलता जाएगा कोयले की मात्रा खान से कम होती जाएगी, नहीं होती जाएगी, तो इस संपत्ति का मूल्य क्या है, कम होता जाता है, संपत्ति का क्षय होता जाता है, इस कारण इसको क्या बोलते हैं, वेस्टिंग असेट, यानी क्षय संपत्तियां। इसी प्रकार तेल के कुए, ठीक है, जिसको बोलते हैं ऑयल वेल, तेल के कुए, ये भी क्या है, क्षय संपत्तियों के उदाहरण आते हैं। एक होता है पट्टे पर ली गई संपत्ति, जिसको बोलते हैं लीज, क्या बोलते हैं, लीज। तो आपने मान लो 20 साल के लिए पट्टे पर कोई संपत्ति ली और 4 साल आपने उसका यूज कर लिया तो पट्टे की वैल्यू 16 साल ही रह गई ना, तो ये क्या है, क्षय होता है। इसी प्रकार लाइसेंस है, ठीक है, ये क्षय संपत्तियां। उसके बाद आती है अमूर्त संपत्तियां। ये ऐसी संपत्तियां होती है जिसका भौतिक स्वरूप यानी फिजिकल सेट इनकी उपलब्ध नहीं होती। इन संपत्तियों को व्यवसाय में तब अनुभव किया जाता है जब व्यवसाय के लाभ में संपत्ति का कारण निरंतर वृद्धि होती है। इन संपत्तियों को व्यवसाय में हम देख नहीं सकते और न इनको छू सकते, केवल इनको अनुभव कर सकते हैं, और तो नहीं कर, जब कंपनी के निरंतर लाभ में वृद्धि हो रही है। उदाहरण के तौर पर इन सही संपत्ति यानी इंटेंजिबल असेट्स है, उनके उदाहरण देखें तो होता है गुडविल, ठीक है, जिसको हिंदी में कहते हैं ख्याति। एक होता है ट्रेडमार्क, ठीक है, ये क्या होती है, इंटेंजिबल असेट्स होती है। और यहाँ सही संपत्ति में पेटेंट और होता भी जानना है, पेटेंट भी क्या है, क्षय संपत्ति का उदाहरण है, ठीक है। अब आता है सरल संपत्तियां। सरल संपत्तियां ऐसी संपत्तियां जिसको रोकड़ में परिवर्तित आसानी से किया जा सकता हो, वो सरल संपत्तियां कहलाती है। ऐसी संपत्तियां जिनको आसानी से रोकड़ यानी कैश में कन्वर्ट किया जा सकता है वो सरल संपत्तियां कहलाती है। आप सरल संपत्ति में देखो, अपनी जो करेंट असेट है ना वो सारी पानी होती है, छोड़ के केवल स्टॉक और प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस को। तो लिक्विड असेट में क्या आएगा, आपके पास जो करंट असेट है ना, इसमें से एक तो घटा दो स्टॉक
और एक बेटा तो प्रीपेड एक्सपेंस है, ठीक है। तो अगर हम अपनी करंट असेट्स में से स्टॉक और प्रीपेड एक्सपेंसेस को अलग कर देते हैं तो बाकी भी बची विधायक संपत्तियां क्या कहलाती है, ये कहलाती है आपकी तरल संपत्तियां। इसको तरल क्यों कहते हैं, क्योंकि इन सभी संपत्तियों को एक वर्ष से कम समय के अंदर हम कैश में बदल सकते हैं, ठीक है। तो कैसा लगा आपका वीडियो, आपको आशा करता हूँ अच्छा लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगा है तो आपके लिए ड्यूटी बनती है क्या, वीडियो को देखने के बाद लाइक करना और सब्सक्राइब करना। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसको सब्सक्राइब जरूर कर दें, और अपने जितने फ्रेंड्स हैं जो कॉमर्स के स्टूडेंट हैं उनको आप शेयर करें ताकि उनको भी इस ऑनलाइन क्लास का फायदा मिल सके। थैंक यू।